क्या दुआन और तुम्हारी कोई औलाद है? है। क्या वो तुम्हें वापस पाना चाहता है? अम्मी एक बात बताएं आप मुझे, अगर आलिया की बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो दुआन मुझे धोखा दे रहा है। अच्छा ये बताओ कि अगर ये आलिया की कोई चाल निकली क्योंकि वो तुमसे जलती है और जो कुछ भी उसने तुमसे कहा वो सच ना हुआ तो? वो बात तो ठीक है लेकिन अभी आलिया कानूनन बीवी है उसकी, तलाक के बदले वो दुआन से सब कुछ छीन ना ले। वो यिल्दिज और जैनब का सलीम से इस तरह मिलने का मतलब है कि यिल्दिज इसकी आड़ में जरूर कोई ना कोई मंसूबा बना रही है। इससे उसे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा उसे? अगर मैं जैनब पर दबाव डालती हूँ तो वो फौरन मासूम बन जाएगी और इस तरह मेरे और भाई के दरमियान दरार आ जाएगी। सलीम ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मुझे वो एक गरीब लड़की समझता है और मेरी मदद भी की उसने एक फूलों की दुकान पर नौकरी दिलवाकर। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है मुझे। मुझे नहीं मालूम था कि ये झूठ इतना लंबा हो जाएगा। कोमल, झूठ का जो अंजाम है वो काफी बुरा होता है और एक ना एक दिन वो सामने आ जाएगा, फिर क्या करोगी तुम? आखिर ऐसा कौन सा शख्स होगा जो एक झूठे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहेगा? सच कहूं तो मूड इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर चाहो तो शाम को मेरी तरफ आ जाओ। हाँ ये हो सकता है, अभी कुछ काम है बस इसे पूरा करके कोशिश करूंगा कि वहां आ जाऊं। कुछ मशवरा भी करना था तुमसे। तो मतलब ये कि तुम आ रहे हो? फिक्र मत करो, आने से पहले मैं बता दूंगा तुम्हें।